तो एक्चुअली कि मैं शॉक था कि यार पॉजिटिव कैसे आ गया यार। नहीं, अगर आपको ये सिम्टम आते तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ कि यार मुझे कोरोना आ जाएगा, पता नहीं मुझे क्या होगा। अब कोई भी अमिताभ बच्चन, कितने और लोगों को जो बड़े सेलिब्रिटी से उनको भी हुआ है। हम लोग जब घबराते ना तो वही बीमारी आए। जैसे मेरी मम्मी, अगर मैं नहीं बताता तो मैं घर पे होता तो मेरी मम्मी जो ओल्ड एज है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सब कुछ है, ठीक है, तो वो उनके लिए ज्यादा डेंजरस हो सकता है। So today we have with us the captain of the Indian hockey team, but it's not hockey that we're going to be talking about as much as we are going to be talking about a certain experience that he recently had. Manpreet and five others in the Indian hockey team were tested positive for coronavirus. So we're going to hear from him the experience that he had. एक्चुअली कि जब हमारा वापस हम लोग कैंप में हैं तो हमारा क्वारंटाइन था 14 डेज का, ठीक है। तो उसके बाद ड्यूरिंग क्वारंटाइन ऐसा हुआ कि जैसे कि सिम्टम होते ना कोरोना के, लूजिंग टेस्ट, स्मेल, तो वो सडनली मेरा जैसे कि मुझे नहीं आने लगा था। तो देन मैंने साइक के जो डॉक्टर थे हमारे लिए प्रोवाइड किए गए थे, तो मैंने उनसे बात किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे सिम्टम है। तो हमारा जो प्रॉपर हुआ टेस्ट दोबारा, तो उसमें मैं पॉजिटिव आया। तो एक्चुअली कि मैं शॉक था कि यार पॉजिटिव कैसे आ गया यार, लाइक हाउ इज इट। तो वो एक ट्रिकी था कि मेरे लिए माइंड में कि हाँ कैसे हुआ भाई, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर की बात करें सभी ठीक थे, कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट सडनली मैं ही कैसे हो गया। तो बट एसेंशियली अगर आप फिट हो, हेल्दी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रिकॉशंस नहीं लेने चाहिए. इसका मतलब आपको तभी भी कोरोना वायरस हो आपको सकता है. हो सकता है, अगर हो सकता है तो होता है, तो आपको तो आप डॉक्टर से जो प्रिकॉशन आपको मिलता है उसको फॉलो कीजिए, तो आप ऑब्वियसली डेफिनेटली आप रिकवर करोगे उस चीज से। अगर किसी को सिम्टम्स लग रहे हैं तो उन्हें उसे छुपाना नहीं चाहिए, डरना छुपाना नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, यस और बिल्कुल टेस्टिंग टेस्टिंग के में भी डिले नहीं करना चाहिए, राइट? यस, क्योंकि अगर हम लोग डिले करेंगे तो ऑब्वियसली मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, तो मेरे से उनको भी आगे सिम्टम हो सकते हैं। वो क्या पता, जैसे मेरी मम्मी, अगर मैं नहीं बताता तो मैं घर पे होता तो मेरी मम्मी जो ओल्ड एज है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सब कुछ है, ठीक है, तो वो उनके लिए ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर मुझे है तो एटलीस्ट मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, हाँ मैं क्वारंटाइन कर सकता हूँ, तो मैं डॉक्टर के प्रिकॉशन फॉलो कर सकता हूँ, तो मैं रिकवर करूंगा, रादर देन मैं अपनी फैमिली को डेंजर लाने से अच्छा है तो मैं एटलीस्ट अपने आप को रिकवर तो कर सकता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सिम्टम आते तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ कि यार मुझे कोरोना आ जाएगा, पता नहीं मुझे क्या होगा। अब कोई भी अमिताभ बच्चन, कितने और लोगों को जो बड़े सेलिब्रिटी से उनको भी हुआ है। तो हम लोग जब घबराते ना तो वही बीमारी आए। वो भले ही कोरोना, भले नॉर्मल बीमार हो आप, वैसे ही आप माइंड सेट यार पता नहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। अगर आपको कोरोना होता भी है ना तो इट्स लाइक यू नो, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, सो यू डोंट नीड टू गेट पैनिक। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि आजकल लोगों में यही है कि अगर यार मुझे कोरोना हो जाएगा, अगर यार पता नहीं आगे कैसे होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ये चीजें काफी हमारे चल रही हैं आजकल, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। जो डॉक्टर था उनका भी यही मानना था कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा, क्योंकि आप अगर आप गलत दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे हो यार कैसे हो गया, पता नहीं कैसे मैं रिकवर करूंगा, ये करा, फिर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे तो उससे आप ज्यादा बीमार होगे। तो इसीलिए जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और दूसरा बात, उस वक्त टाइम यही था कि हाँ कि सभी, जैसे कि जितने भी हमारे कोचेस और जितने भी हमारे फिजियो थे, हमारा फिजियो टीम के फिजियो थे, और हॉकी इंडिया की तरफ, साई की तरफ से काफी पॉजिटिव वाइब्स मिलता रहा हमें। जैसे कि हमेशा उन्होंने नेगेटिव नहीं, हमें हमेशा कॉन्फिडेंस देते रहे और यही बोलते रहे कि हम लोग आपके साथ हैं। तो आप कह रही हो कि स्ट्रेस फ्री रहना फॉर समवन हु हैज कोरोना वायरस बहुत यस, इम्पोर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा होता है ना मैडम कि आप अकेले रहते हो तो आपके साथ में कोई नहीं है, पूरा दिन आपको बेड पे लेटना है, तो आपको ज्यादा कुछ करने के लिए भी नहीं है, तो उस टाइम हमेशा आपके नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं, यार पता नहीं क्या होगा मेरे, अगर मुझे ये हो गया वो हो गया, बहुत चीजें आती हैं, यार पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा, वहां पे क्या हो रहा होगा। तो उस टाइम यही है कि यार मेडिटेशन और फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब आप यू टेस्टेड नेगेटिव नाउ एंड यू रिटर्न टू ट्रेनिंग ऑल्सो,
बट डू यू फील कि आपकी बॉडी में एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कुछ चेंजेस हैं एंड आर यू बैक टू 100% फिटनेस? नॉट येट एक्चुअली, क्योंकि ये बीमारी का किसी को पता नहीं कि हाँ कि कैसे आगे, जैसे हमारी फिटनेस के लिए कैसे आगे काम करना है कि कैसे. तो हम लोगों ने, जो हमारे टीम के ट्रेनर थे या फिजियो थे, उन्होंने हमारा एक प्रोटोकॉल बनाया था कि जैसे कि हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को एक मंथ से हम लोग बेड पे थे, मेडिसिन खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. तो इसीलिए तुम्हारा जो बॉडी था वो काफी, जैसे कि क्या बोलते उसको, नहीं कुछ कर रहे थे, तो इसीलिए काफी डल सा जैसे हो गया था. ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो ट्रेनर है उन्होंने स्पेशली हमारा चार्ट बनाया था कि हाँ जो हमारा ट्रेनिंग लेवल है वो धीरे धीरे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे. तो अभी यही है कि हाँ कि हम लोग अभी भी 60 और 70% तक जा रहे हैं. तो क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि अगर हम लोग कहेंगे कि हाँ कि आज ही हम लोग 100% दे दें, क्या पता उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाए और हम लोग फिर वहां से हम लोग पीछे आ जाए. अगर आप बाहर जा रहे हो तो प्लीज स्पेशली वेयर द मास्क और सैनिटाइजर, इनको प्लीज यूज कीजिए. हम लोग को कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग काफी लोगों को मिलते हैं, तो हमको लगता है यार कोई बात नहीं यार, उनको नहीं है, किसी को नहीं है, पता नहीं किसी को है किसी को नहीं है. मुझे भी, मैं आया हूँ, मुझे भी नहीं पता किसको था किसको नहीं है कोरोना, राइट? तो हम लोग को ये, हमें अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, है ना. अगर आप बाहर जाते हो तो आप किसी से मिलते हो उसके पास सैनिटाइज कीजिए हाथ, है ना, और मास्क पहन के रखिए हमेशा.